नमस्कार छात्रों, आज हम उस धरती की संतति है इस पद्य पाठ के प्रश्न स्वमत के बारे में जानकारी लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर यह प्रश्न आ सकता है कि हम उस धरती की संतति है इस पाठ में निहित विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। तो इस पद्य पाठ में निहित विचारधारा इस प्रकार की है कि हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि स्त्री और पुरुष इन दोनों में असमानता नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी लड़का और लड़की दोनों को भी हम पढ़ाना आवश्यक माना गया है। लड़का हो तो उसे पढ़ाइए, लड़की हो तो नहीं पढ़ाना चाहिए, यह सब बातें अब नहीं चलेगी, क्योंकि भारत का अगर स्थान ऊंचा रखना है तो हमें यहाँ पर दोनों को भी समान रूप से स्थान देना आवश्यक है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, पंत प्रधान इंदिरा गांधी थी, ये भी स्त्रियां ही थी। कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में बहुत अच्छा काम कर चुकी है, यह भी एक स्त्री है। सुनीता विलियम्स, इसका भी स्थान हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर अनेक पुरुष भी बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर चुके हैं। जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने घटना लिख कर बहुत ही अच्छा काम किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उसी प्रकार राम, उसी प्रकार हम देखते हैं कि अनेक ऐसे पुरुष हैं कि जो यहाँ पर सामाजिक स्थान ग्रहण कर चुके हैं और समाज की उन्नति में अपना योगदान दे चुके हैं। तो हमें भारत माता को ऊंचा स्थान रखने का नजरिया हमारे सामने रखना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो, उन्होंने अपने देश को रोशन करने का प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार छात्रों में भी यह भावना प्रकट करनी चाहिए। इसीलिए स्त्री पुरुष समानता को हमें अपने सामने रखना बहुत आवश्यक है। और इस कव्वाली के माध्यम से यही बताया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों भी समान हैं और दोनों ने भी अपने कर्तव्य को उजागर करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आज के इस पाठ से हम यह सीख लेते हैं कि हम भी हमारे जीवन में आगे चलकर कभी भी स्त्री या पुरुष यह भेद न करते हुए दोनों का भी समान रूप से विकास, दोनों को भी समान रूप से दोनों को भी प्रगति करने की ये उन्हें हम संधि दे या उन्हें हम अच्छी तरह से मौका दे कि वे आगे बढ़ सके। धन्यवाद।